What's up everybody, we are back एक बार अपने चैनल से वापस आ चुके हैं और इट इज़ गोइंग टू बी कलम इंक का एक और ट्रैक, तीसरा ट्रैक रिएक्ट करने वाले हैं हम कलम इंक का पिछले एक महीने में शायद से। एंड इस गाने का नाम है आज भी आप। और जो कोल्ड वर्ल्ड है ना, अच्छा मैं बता दूँ, पिछली बार मैंने जब पहला गाना रिएक्ट किया था मुझे नहीं पता था कोल्ड वर्ल्ड क्या है, मुझे लगा EP या फिर कुछ का पार्ट है। कोल्ड वर्ल्ड आई थिंक इंस्टा हैंडल, तो ये यूट्यूब हैंडल ही है कलम इंक का, तो आई थिंक इसी वजह से वो नाम दिया हुआ कोल्ड वर्ल्ड, या तो कुछ और भी हो सकता है, मुझे एक्जैक्टली आइडिया नहीं है, इसके बारे में रिसर्च करूँ, अगर मुझे पता लगेगा, रिसर्च तो नहीं करने वाला मैं, पता लगेगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड सॉन्ग। अभी तक जितना हम लोगों ने कलमिंग को जाना है भाई, बहुत ज़्यादा रीच जो कलमिंग की रिसेंट में, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करी है रिसेंट में। सॉन्ग्स भी मतलब सॉन्ग्स तो अच्छे हैं जितने मैंने अभी तक सुने, सॉन्ग्स में पक्का मतलब लिखाई और जो स्टोरी टेलिंग है ही डेफिनेटली हैज़ इट। और एक जो वो होता है ना, इमोशन कनेक्ट होता है दो भाई की, गाने में कई बार गालियां भी होती है, ठीक है, भाई के गाने में बहुत एकदम ब्रूटल सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन स्टिल वो कनेक्ट जो है ना, जो इमोशनल टच है वो स्टिल फील होता है। आई थिंक, आई डोंट नो, वो जो कहने का तरीका है, जिस तरीके से बार्स बोलने का तरीका है, क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ तो कनेक्शन फील होता है फॉर श्योर। एंड आई थिंक इसी वजह से भाई की रीच भी इतनी बढ़ रही है। और रीच की बात ही कर रहे हैं तो भाई पिछला गाना जो मैंने रिएक्ट किया था, समझ रहे हो, जो ऑलरेडी कलम इंक का गाना उसमें तो खतरनाक रीच है, मैंने रिएक्ट किया था उस पर शायद से 15 के होने वाले ऑलमोस्ट, या आई थिंक हो गए होंगे जो हम लोगों ने जिंदगी किया था। उसके बाद कलम इंक का जो क्यों ट्रैक था, क्यों पे भी रिएक्ट किया था, पुराना ट्रैक है, तो उस पर भी अपने 1.5 के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, यानी कि जो रीच है कलम इंक की वो श्योरली मार्केट है बहुत खतरनाक है। बिकॉज रिएक्शन वीडियो जिसमें मेरे पे इतने व्यूज उनमें ही आते जिनमें जिन एक्चुअली आर्टिस्ट की रीच अच्छी होती है, ठीक है। तो अभी ये गाना है, ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक एक हफ्ते के अंदर इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू क्रॉस अ मिलियन, 940 ऑलमोस्ट हो चुका है, कि दैट मीन्स 1 मिलियन बहुत तेज़ी में, और इतनी रीच है डेफिनेटली दैट मीन्स कि अभी कलम इंक इज अभी अभी तो एटलीस्ट ही इज़ नॉट स्टॉपेबल, बहुत अभी आगे कलम इंक को जा मतलब कलम इंक के अभी जो नंबर्स है वो तो बहुत आगे जाएंगे, और ज़िंदगी में तो भाई भाई तो अलग जाएगा ही, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जल्दी से रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, दैट एक भाई बोल रहा था भाई कि अगर मतलब पहले जो मैंने वीडियो रिएक्ट की थी मैंने कहा था मैं कलम इंक को नहीं जानता था, तो एक भाई कह रहा था कि भाई तो फिर एक बार इन्फॉर्मेशन लेके, थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद वीडियो बनाओ तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि जैसे मैं अगर किसी आर्टिस्ट को पहली बार सुन रहा हूँ ना, तो फिर इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू बैकग्राउंड, मैं अगर पहली बार सिर्फ और सिर्फ रैप से सुनूं या फिर जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया उससे सुनूं, उसके बाद उसका बैकग्राउंड समझ में आया, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रिएक्शन रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि उसके बारे में पहले मैं पढ़ लूँ, जान लूँ, ये सब करना। मतलब हाँ, अगर मुझे लगेगा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बोलने को नहीं है, तो फिर तो चलो ठीक है, मैं एक बार रिसर्च कर लेता हूँ। जैसे कि पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं तो मुझे नहीं पता होता भाई, तो मैं उसकी जरा एक बार मतलब पंजाबी सॉन्ग्स का एक लिरिक्स पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो इस मतलब ये कर लेता हूँ मैं। तो मतलब मेरे हिसाब से बेटर अनबायस रिएक्शन वो रहेगा जिसमें मैं आर्टिस्ट को पहली बार सुन रहा हूँ, ऑल दो मतलब एक बार सुन लेता है तो बाद में धीरे धीरे एक बायस आ ही जाता है, अगर आर्टिस्ट पसंद है तो फिर मतलब धीरे धीरे वो तुम्हें लगने लगता है कि अच्छा इसने कुछ लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा। पहला अगर रिएक्शन पहली बार आर्टिस्ट को सुन रहे हो तो आई थिंक दिस इज अ बेटर अप्रोच। अब चलते चलते सुनते हैं भाई, भाई का नया गाना आया, गाने का नाम है आज भी आप, एंड लेट्स सी क्या होने वाला। अच्छा डिस्क्लेमर है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एनी आर्टिस्ट इन द वीडियो डज नॉट सपोर्ट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, दिस इज जस्ट प्रॉफिट शूट। ओके, अच्छा अच्छा डिस्क्लेमर है, सही है, चलो। प्रोड्यूस सॉरी स्पॉन्सर्ड बाय अर्बन मंकी, क्वालिटी बढ़ा लो भाई। आज भी आप आए नहीं, कल भी नहीं आओगे, अरे 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 अरे, परसों का पता नहीं, शायद नर्सों भी सत्ताओं के। अरे आप ऐसी हो, मुझ पे नहीं अब जान, बाकी गलतियां की ना दी तुझको। एक सेकंड चलते हैं आप वापस एक बार, लेकिन यार ये जो स्टार्टिंग है ना, वो तला अंजुम का याद है, गुमान आज फिर तो आए नहीं, याद तेरी आई थी, थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो टच दिया सिर्फ, मतलब उसके बाद अलग ही है, ऑब्वियस सी बात है। कल भी नहीं आओगे, आज भी आप आए नहीं, कल भी नहीं आओगे, परसों का पता नहीं, शायद नर्सों भी सत्ताओगे। आप ऐसी हो, मुझ पे नहीं अब जान, बाकी गलतियां की ना दी तुझको, चल अब मांग माफी, कोरे तारों को हम तारे भी अब गिरते नहीं है, आशिक है चन्ना वैसे हर किसी पे मरते नहीं है, हमारे पैर धो के पीले फिर भी कम कहोगे, तुमको चाहे तुमसे ज्यादा तो उससे तुम कहोगे। भाई
भाई तुम के तुम्हारे पैर पीले तो भी तुम्हारे पैर धोके पीले तो भी तुम कम कहोगे, और क्या था तुमसे तुमको तुमसे ज्यादा चाहे तो तुम सितम कहोगे। भाई एक एक लाइन इतनी रिफ्रेशिंग है ना, पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा लग रहा है सारी की सारी लाइन। और वो जो लाइन स्टार्टिंग करी भाई कि तेरी गलतियां गिना दिया मांग माफी, भाई साहब एक ही बार हुई है मुझे, एक एक लाइन एकदम ऐसे टच करी है ना। तारे भी अब गिरते नहीं है घूरे तारों को हम ताज को जरा मांग माफी आप ऐसी हो मुझ पे नहीं अब जान बाकी गलतियां गिना दी तुझको जरा मांग माफी घूरे तारों को हम तारे भी अब गिरते नहीं है आशिक है चढ़ना वैसे हर किसी पे मरते नहीं है तुम्हारे पैर धो के पीले फिर भी कम कहोगे तुमको चाहे तुमसे ज्यादा तो उससे तम कहोगे शायद से मर जाएंगे हम भी बाकी आशिकों की तरह पर वादा है आंखें बंद फिर भी तेरी तरफ दौड़ गए पूरा पाना चाहा तुझको खुद को वादा छोड़ गए खामोशी तेरा ही खामोशी का जवाब तुमको रोते हुए नहीं देखना तभी तो मुंह को मोड़ गए थे हम भाई आधा तुम्हारी तरफ तुमको पूरा चाहना था तो इसलिए खुद को पीछे आधा छोड़ गए। भाई यार क्या ही बहुत रिफ्रेशिंग है भाई। आई कैन अंडरस्टैंड क्यों रीच बढ़ रही है भाई क्लबिंग की, बिकॉज जो लाइंस है ना कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कहीं सुनी हुई है, बहुत ज्यादा न्यू। खुद को वादा छोड़ गए खामोशी तेरा ही खामोशी का जवाब तुमको रोते हुए नहीं देखना तभी तो मुंह को मोड़ गए थे हम फासले हम काट लेते अगर खामोशी हम कैसे सहते आशिक होने की सजा मिली है बता दो चुप ना हम कैसे रहते फासले हम काट लेते मगर खामोशी हम कैसे सहते आशिक होने की सजा मिली है भाई बता दो चुप ना हम कैसे रहते फिर से वही कमरा फिर से तेरी याद घेरे माँ की बात याद मुझको दुनिया के यहाँ दो चेहरे हटना साली मेरा हाथ छोड़ और जाने दे उससे धोखा खा के मुझको कहरी जाना तुम हो मेरे नहीं ये तेरा सच्चा वाला प्यार नहीं है तेरी यादों के अब हम रहे गुलाम नहीं है ये कोई बात नहीं कि दिल में आया जो भी कह दो प्यार है कोई रंडी नहीं कि पैसा दो तमाशा देखो तुम्हें कसम है हमारी अपना वापस आना मुबारक हो आपको आशिका का नया वाला सदियां बीत गई थी इस पत्थर को दिल बनाने में मौत का एहसास करना हो तो प्यार रास माना पॉपिंग पिल्स और ये नशा मेरे हाथ में नशा चढ़े सर तो फिर लग साना मुबारक हो आपको आशिका का नया वाला सदियां बीत गई थी इस पत्थर को दिल बनाने में मौत का एहसास करना हो तो प्यार रास माना पॉपिंग पिल्स और ये नशा मेरे हाथ में नशा चढ़े सर तो फिर लगे कि तू साथ में बस करो जाना थोड़ा रहम खाओ मेरे पे जहाँ पे तू छोड़ गई थी वहीं पे ठहरे हैं आज भी तुझे हम नहीं भुला सके कोशिशें भी कोशिश कर रही कि कोशिश हम रुके पर डैम इतनी आसानी से नहीं मानेंगे जहर लाके दोगे तेरे हाथ का भी खा लेंगे नजरों में सबसे ऊपर तुझको रखा है खुदा से भी ऊपर तू खुदा भी तेरे बाद है कल चौक पे वो मुझको देख वापस उड़ गई थी चलो शुक्र कम से कम मेरा चेहरा उनको याद है दिलों में हम न होंगे मरेंगे आशिक फिर भी कम न होंगे सितमगरों में रहने लग चुके हैं यही उम्मीद तुम सितम करोगे तेरी महफिलों में हम न होंगे मरेंगे आशिक फिर भी कम न होंगे सितमगरों में रहने लग चुके हैं यही उम्मीद तुम सितम करोगे समथिंग यू हैव सम टाइम यू हैव टू बी विद द रॉन्ग पर्सन नोइंग द फैक्ट दैट दे आर नॉट मेंट टू बी शी और ही ऐसा कुछ लिखा है नॉट मेंट फॉर यू।
ओ भाई कलमिंग, क्या लिखा भाई ने, बीट वाला शायर। अरे 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 भाई, लेट मी लाइक दिस थिंग। 980 के 7 days, ओ शेट भाई, ये कुछ क्या लिखा कमेंट ने, कलमिंग ने पिन कमेंट, आशिक है जनाब, ऐसे हर किसी पे मरते नहीं है। आ ये बहुत रिफ्रेशिंग भाई। मतलब ऐसे कितने तुमने गाने सुने होंगे नहीं, जिसमें ये चीज़ें बात हो रही है कि भाई ये रोमांटिक प्यार वाली बात हो रही है कि अब साथ में नहीं है, तुम बेवफा, जो भी है। मतलब ये इस जॉनर पे बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे तुमने, लेकिन ये जो बार्स लिखी गई है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग, बहुत ज़्यादा फन, और एक ओवरऑल गाना जो कॉम्पोजिशन है, वाओ मैन, वाओ वाओ वाओ। बिकॉज जितनी बार्स लिखी है ना वहाँ, उतनी बार्स पे भी गाना खत्म हो सकता था। जो गाना कलमिक ने जितना बार्स लिखा है ना, उतना बार्स ही बार्स रखते ना तो भी गाना एक हो सकता था। लेकिन कॉम्पोजिशन में वो जो बीच में एक इंटरल्यूड आता है, ना 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 ना, जो बैकग्राउंड में एक 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 और वो आता है हाई स्केल पे, एक और बंदा गाता है, आई डोंट नो वो कलमिंग का ही साउंड है हाई पिच पे, हाई स्केल पे या फिर नहीं, लेकिन कलमिंग का फिर एक और लो लो स्केल पे तो चलता रहता है कि सितम करोगे एंड आशिक है, आशिक नहीं ख़त्म होंगे, ऐसे करके जो आता है इंटरल्यूड आखिरी में भी है, मिड में भी है, वो भी डाला गया। वो बहुत अच्छा फील दे रहा है पूरे गाने को, और उसकी वजह से गाना ना वो बहुत सही एक वो जो गूज बम्प वाला मूवमेंट देता ना, बिकॉज जैसे वो वाला पार्ट आया था मिडल वाला और एंड वाला, गूज बम्प्स आ रहे थे भाई सीरियसली, कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव पहले बार्स लिखने के बाद इतना प्यारा इंटरल्यूड आता है वो बीच में, वो बहुत अच्छा लगा। इंटरल्यूड हुक था वैसे वो आई थिंक, लेकिन यस बहुत अच्छा सॉन्ग बाय कलमिंग भाई। मेरे हिसाब से भाई ईच जितने सॉन्ग सुन रहा हूँ मैं एक के बाद एक, जितने मैं गाने सुन रहा हूँ हर एक गाने के साथ मुझे कलमिंग और ज़्यादा मैं फ़ैन हो रहा हूँ कलमिंग का भाई। क्या बोलूँ भाई, 1 महीने में सिर्फ 3 गाने सुने मैंने एंड आई एम बिकमिंग अ ग्रेट फैन ऑफ दिस गाय। अभी भाई ने नई गाड़ी भी ली है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट कलमिंग को। क्रेजी सीन हो रहा है भाई, एंड आई थिंक रीच भी बहुत तेज़ी बढ़ रही है कलमिंग के स्टोरी पे देखा था, एंड भाई रीच बढ़ने वाली बात भी है बिकॉज जिस हिसाब के गाने या प्रोडक्शन चल रहा है कलमिंग की तरफ से, दैट इज क्रेजी। और अभी Q2.0 भी सुनना है अपने को, Q2.0 की रिकमेंडेशन बहुत टाइम से आई थी, बिकॉज क्यू जो था, क्यू के बाद Q2.0 आया, तो कुछ तो लोग लड़के बोले थे कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलब प्यारी लिखाई है, और स्टोरी जो उसके जिसमें जो बताई गई है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक टची है, तो फिर वो भी सुनेंगे ठीक है, लोगों को पसंद है तो उस पर रिएक्ट करेंगे, मैंने अब तक सुना नहीं है। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसा लगा ये सॉन्ग भाई, मैं तो सीरियसली फैन हो गया। ये गाना ऐसा है वाला लूप वाला गाना है ना, क्या बोलते हो, ऐसा गाना बनाना जो कि तुम लूप पे सुन सको, क्योंकि सारे सारे गाने तुम जो अंडरग्राउंड हिप हॉप में आते हैं वो सारे तुम लूप में नहीं सुन सकते, लेकिन कलमिंग के जो पिछला जो क्यू वाला गाना है, क्यू जो था जो मैंने पिछला सुना, और ये वाला गाना है इसको मैं लूप पे सुन सकता हूँ, मतलब ये प्लेलिस्ट वाला मटेरियल है, शायद मैं डाल भी अपने प्लेलिस्ट में ठीक है। तो तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो, तुम लोग बताना तुम्हें सॉन्ग कैसा लगा, बिकॉज कलमिंग की तरफ से आई एम मतलब मेरे को तो बहुत खतरनाक सॉन्ग लगा, जो भी हो चैट बताना मेरे को, एंड वी आर गोना सी यू रियली वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ठीक है, बड़ी से बाय, पीस। हम न होंगे, मरेंगे आशिक फिर भी कम न होंगे, सितम घरों में।